दोस्तों, लव यू जिंदगी में आप सबका स्वागत है। आपकी दोस्त और आपकी होस्ट शिवानी आज फिर आप सबके लिए लेके आई अमेजिंग वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप काफी अच्छे होंगे और फेस्टिवल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आप सबके लिए लेकर के आई हूँ मैं एक बहुत ही अमेजिंग सा वीडियो। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा ही होगा, एक रिव्यू वीडियो। जी हाँ, मैं लेकर के आई हूँ आप सबके लिए बेबी हग प्रोडक्ट्स का रिव्यू वीडियो। जी, जो जो प्रोडक्ट्स मैंने बेबी हग्स के यूज किए हैं उसका एक ऑनेस्ट रिव्यू आप सबके लिए लेके आई हूँ, जिससे आपको शॉपिंग करने में काफी इजी हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। ये है बेबी हग का डायपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बेबी हग का एडवांस डायपर है जो सॉफ्ट डायपर पैंट्स हैं, और ये पूरी तरीके से बेबी के लिए बहुत ही अच्छा डायपर है। अभी तक मैंने जिस भी ब्रांड के डायपर यूज किए हैं उसमें से ये डायपर मेरे लिए सबसे बेस्ट है, बेबी हग का एडवांस डायपर। ये हनीकॉम टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, 3D लीक गार्ड है इसमें, प्लस डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और ही बहुत सारी इसमें खूबियां हैं जो कि हमारे बेबी को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखता है। ये पैक एक्सल साइज है जो मैंने लिया हुआ है, क्योंकि मेरा बेबी जो है वो 3.5 साल का है, तो वो 16 kg का है, और ये डायपर जो है 13 से 17 kg तक के लिए बेस्ट है। ये साइज एक्सेल, इसमें सारे साइजेस अवेलेबल हैं, तो आपका बेबी जो भी साइज वियर कर सकता है आप उस साइज के डायपर ले सकते हैं। और ये पैंट डायपर है, इलास्टिक इसका बहुत ही अच्छा है, जिससे बेबी को बहुत ही ज्यादा कंफर्ट फील होता है। इसके साइड लॉक्स आप देख सकते हैं, इतने अच्छे हैं कि साइड से इसमें लीकेज का बिल्कुल भी कोई भी इशू नहीं है, और साथ में ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है टॉयलेट को, और बेबी को बहुत ही सॉफ्ट फील कराता है। तो मेरे लिए मैं 10 out of 10 है। आप अपने बेबी के लिए इसको डेफिनेटली बाय कीजिए, और आप देखिए आपका बेबी एक नींद पूरी रात सोएगा और आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। नेक्स्ट जो है वो है बेबी हग का ही एडवांस सेंसिटिव पीच मिल्क शैम्पू। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा शैम्पू है जिसे आप अपने बेबी के लिए यूज कर सकते हैं, जिसको लगाने से आपके बेबी के आईज में बिल्कुल भी टीयर्स नहीं आने वाले हैं। फ्रेग्रेंस फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और पीएच बैलेंस्ड है ये, और इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट हमारे हेयर्स पे, मीन्स हमारे बच्चों के हेयर्स पे है। बहुत सॉफ्ट और सिल्की हेयर्स हो रहे हैं इसको लगाने से, और सबसे अच्छी बात है इसको लगाने से बेबी के आईज में बिल्कुल भी टीयर्स नहीं आते, तो नो मोर टीयर्स। इसलिए मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग सा लगा, और मैंने पहले भी और भी शैम्पूज यूज किए हैं, तो उसमें क्या होते थे, आईज में जब बच्चों के शैम्पू जाता है या कुछ होता है तो बच्चों के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। बट मेरा बेबी जब ये लगाता है तो वो बहुत इंजॉय करता है अपनी बात को, और बहुत ही एक सेफ फील करता है अपने आप को, बिकॉज अगर ये टीयर्स में जाते भी आईज में जाते भी हैं तो बिल्कुल भी आंसू उसमें से नहीं आते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सेंसिटिव शैम्पू बनाया गया है बच्चों के देखते हुए, तो मैं तो इसे जरूर प्रेफर करूंगी कि आप भी अपने बेबी के लिए एक बार इसे ट्राई करके देखिए, बेबी हग का पीच मिल्क शैम्पू। सो गाइज, नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा बेबी हग का एडवांस सेंसिटिव पीच मिल्क बॉडी लोशन। जी हाँ, इसके पहले मैंने आपको जो दिखाया था वो था शैम्पू, और ये है बॉडी लोशन जो कि मैं आफ्टर बाथ यूज करती हूँ अपने बेबी के लिए, जो कि डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है ये, प्लस फ्रेग्रेंस फ्री है, पीएच बैलेंस्ड है, और इसे यूज करने से आपके बेबी की स्किन 24 आवर्स तक मॉइस्चराइज रहेगी। जी हाँ, बहुत ही अमेजिंग है प्रोडक्ट। आप इसको थोड़ा सा ही आप लगाएंगे तो आप अपने बेबी के जब स्किन पर लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही स्मूथ स्किन देने वाली है, जो बेबी को बहुत ही अच्छा लगने वाला है, उसे भी बहुत अच्छा फील होगा इसको लगाने से। और इसको लगाने से मैं बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि सबसे अच्छी बात है ये 24 आवर्स तक मॉइस्चराइज करके रखती है। मुझे अभी तक ऐसी कोई भी बॉडी लोशन नहीं मिला बेबी के लिए जो 24 आवर्स तक बेबी को मॉइस्चराइज करके रखे। मैंने बहुत से ये सारे लोशंस यूज करे, बट दिस वन इज द बेस्ट। अगर मैं इसको रेटिंग दूँ 10 out of 10, 100%, तो अब से तो मैं यही यूज करने वाली हूँ अपनी बेबी के लिए। नेक्स्ट जो मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए, वो भी बेबी हग का ही है, बट वो फर्स्ट लर्निंग किट है जो कि मैं अपने बेबी के लिए यूज करती हूँ उसको घर में पढ़ाने के लिए। अभी वो बहुत छोटा है, बट हाँ, बच्चों को बुक्स जितनी जल्दी इंट्रोड्यूस करा दी जाए उतना अच्छा होता है। तो ये है बेबी हग का फर्स्ट लर्निंग किट, इट्स जस्ट अमेजिंग। इसमें आपको बहुत सारे वेरिएंट टॉपिक्स मिल जाएंगे अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, बिकॉज बच्चों की फर्स्ट लर्निंग जो होती है वो घर से ही स्टार्ट होती है। तो मैंने अभी तक उसे किसी भी स्कूल में नहीं डाला है, मैं उसे खुद पढ़ाती हूँ। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी बेबी हग की जो किट है, फर्स्ट लर्निंग किट, इसमें आपको 10 बुक्स अवेलेबल होती हैं, जिसमें आपको कलर्स, ह्यूमन बॉडी, नंबर्स, शेप्स, साइजेस, थिंग्स दैट मूव, फर्स्ट वर्ड्स, अल्फाबेट, एनिमल्स एंड बर्ड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जॉब्स पीपल डू, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं, जिसको बेबी भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकता है। बुक की जो कवर क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी गुड, बच्चा इसे अपने टीथ से कट नहीं कर सकता। पेपर क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी गुड, आपको अंदर पिक्चर्स और उसके नेम्स मिलेंगे। बच्चा इसको धीरे धीरे देख करके धीरे धीरे
पिक्चर्स रिकग्नाइज करना सीखेगा, जो कि हम इस एज में बच्चे को बहुत अच्छी तरह से कराना चाहिए, जिससे बच्चे की जो लर्निंग है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाए। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दीज बुक्स। इसमें कंटेंट बहुत अच्छा है, टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं। यही एक ऐसी चीज होती है जहाँ से हम बच्चे का स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं, तो इसे हम प्री स्कूल भी कह सकते हैं घर को। तो यहाँ से ये चीजें स्टार्ट होती हैं। तो इसके टॉपिक्स जो थे बहुत ही अमेजिंग थे, इसलिए मुझे ये बुक्स बहुत ज्यादा अमेजिंग लगी। बेबी हग की इज अमेजिंग। आप भी जाकर के इसे फर्स्ट स्ट्राइक पे जा करके बेबी हग सेक्शन में जा करके वहां से इसे बाय कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग है, आप अपने बेबी के लिए इसे आराम से बाय कर सकते हैं। ये नेक्स्ट जो रिव्यू लेकर के आई हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेबीज के लिए, जितनी पढ़ाई जरूरी है। अभी तो हम जस्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं, इतना ज्यादा हम बर्डन अभी इतने छोटे बच्चों पर नहीं डाल सकते। तो वैसे ही नेक्स्ट जो है हमारा वो भी एक बुक सेगमेंट ही है, बट वो एक मॉरल स्टोरीज का है। जी हाँ, ये बेबी हग की मॉरल स्टोरीज बुक का है। ये भी आपको एक साथ 10 बुक्स अवेलेबल होती हैं। उसमें आपको इसमें 10 टॉपिक्स मिलते हैं, जिसकी आप अच्छे से बेबी को स्टोरी सुना सकते हैं, जिसमें आपको टाइटल्स मिलते हैं एडवेंचर स्टोरीज, अमेजिंग स्टोरीज, एनिमल स्टोरीज, बेड टाइम स्टोरीज, क्लासिक स्टोरीज, फेरी टेल स्टोरी, गुड नाइट स्टोरीज, मैजिकल स्टोरीज, मॉरल स्टोरीज और प्रिंसेस स्टोरीज। जी हाँ, ये बुक्स भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। बच्चों को आप डेली इन बुक्स में से आप डेली उसको स्टोरीज सुना सकते हैं, जिससे आपका बेबी को एक इमेजिनेशन पावर मिलती है। वो अपने ही एज में बहुत हद तक आप चीजों को इमेजिन कर सकता है, सोच सकता है कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें भी होती हैं। आगे चल के ये सब चीजें बेबीज को बहुत हेल्प करती हैं। तो हम जितने छोटे से बेबीज को स्टोरी सुनाना शुरू कर देते हैं, ये उनके माइंड के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए ये प्रोडक्ट भी मुझे बेबी हक का बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगा, तो मैंने बाय किया। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप भी जाकर के इन मॉरल स्टोरीज बुक्स को बाय कीजिए और अपने बेबी को डेली 1 स्टोरी जरूर सुनाइए। इससे देखिएगा आपके बेबी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। और इसका सेम है, इसका जो कवर है वो भी बहुत ही अमेजिंग है और अंदर का पेपर भी बहुत ही अच्छा है, तो इससे बेबी टियर भी नहीं कर सकता और उसे पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। 100% पढ़ने में नहीं, सुनने में, क्योंकि पढ़ के तो भी आप सुनाएंगे, वो तो भी बहुत छोटा है। तो फिर देर किस बात की, फटाफट से करिए ढेर सारी शॉपिंग बेबी हक के प्रोडक्ट जो कि मैंने बाय किए थे। तो मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए अपना एक्सपीरियंस। तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे ये सारे प्रोडक्ट्स, तो मैंने शेयर करा आप लोगों के साथ अपना ऑनेस्ट रिव्यू। आई होप आप सबको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बोनस में शेयर भी कर दीजिएगा। और प्लीज फटाफट से जाइए फर्स्ट स्ट्राइक पे और करिए बेबी हक की बहुत ढेर सारी शॉपिंग, क्योंकि उसमें चल रहे हैं बहुत अच्छे डिस्काउंट्स, जो कि आपको वहां पे बहुत ही अच्छे अमेजिंग रेट्स पे ये सारे प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।